कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 इस बार पूरा का पूरा खाने पर ही फोकस्ड रहा। इसमें टास्क तो देखने को नहीं मिले, बस मिला तो राशन पर झगड़ा। इसमें सबसे ज्यादा मशहूर था शालीन भनोट का चिकन। 200 ग्राम के प्रोटीन ने उनको पूरे सीजन लाइमलाइट में बनाकर रखा। जो गेस्ट बाहर से भी आए वो भी उनको इसके लिए ताने मार कर जाते थे। कुल मिलाकर वह इस चीज के लिए एक हंसी के पात्र बन गए थे, लेकिन बाहर आने के बाद भी लोग उनको चिकन का नाम लेकर ही चिढ़ाते हैं। अब जब इतना ज्यादा चिकन चिकन होगा तो सेहत तो खराब होगी ही। ऐसे में शालीन भनोट को हाल ही में एक इवेंट में स्पॉट किया गया, जहां उन्हें अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और वह हेल्थ के बारे में कुछ बातें कहते नजर आए, तो वहीं डॉक्टर्स के लिए गए इनिशिएटिव को भी अप्रिशिएट किया। बिग बॉस सीजन 16 के टॉप कंटेस्टेंट में से एक शालीन भनोट टीवी के सबसे चहेते सितारों में से एक है। इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले शालीन ने बहुत ही मेहनत की है। शालीन भनोट बिग बॉस सीजन 16 के टॉप 5 कंटेस्टेंट में से एक है। उन्होंने कई टीवी शोज में काम किए हैं और छोटे पर्दे के नामी चेहरे बन गए हैं। भले ही शालीन को आज किसी परिचय की जरूरत ना हो, लेकिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने से पहले उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले शालीन भनोट हमेशा से ही एक्टर बनना चाहते थे। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने मुंबई की ओर उड़ान भरी। मुंबई में आकर बसना और स्ट्रगल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। शालीन भनोट को भी मुश्किलें हुई और उन्होंने खुद का गुजारा करने के लिए एक दुकान में भी काम किया। वहीं आज शालीन भनोट को इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जहां उन्हें सम्मान देने के लिए हैंडसम मैन अनाउंस करके स्टेज पर बुलाया जाता है। शालीन भनोट का स्टेज पर चढ़ने का अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। शालीन ने पहले तो स्टेज को नमन किया, फिर स्टेज पर मौजूदा गेस्ट के पैर छुए और फिर गले भी लगे। एक्सेलेंस बिजनेस लीडर के कैटेगरी में शालीन भनोट को अवार्ड दिया गया। अवार्ड पाने के बाद शालीन ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर 365 फॉर कॉलिंग मी हियर। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री को ये ऐसा इनिशिएटिव हमारी इंडस्ट्री को मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। मैं हमेशा हमेशा एक सबको कहता हूँ कि कोई भी आप इंडस्ट्री देखें, भले ही वो मैन्युफैक्चरिंग हो, भले ही वो कोई भी और तरह की इंडस्ट्री हो, कहीं इतना टुगेदरनेस नहीं है जहाँ पे हर शो, हर मूवी हो या टेलीविजन हो या कोई भी चैनल का कोई भी शो हो, सर भी इस चीज़ को मानेंगे कि हमारे में इतनी यूनिटी है कि हम लोग निस्वार्थ सेवा में बिलीव करते हैं। ये हमारी इंडस्ट्री से सीखने की चीज़ है, सारी इंडस्ट्री को, हिंदुस्तान के सारे इंडस्ट्री को ये चीज़ सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो डॉक्टर 365 डिग्री डॉक्टर साहब और सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कर रहे हैं। इतना बड़ा उदाहरण सेट कर रहे हैं कि हमें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, भले ही हम नहीं जानते एक दूसरे को, लेकिन एज अ फैमिली जो हमारे इतना बड़ा परिवार है इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, वो परिवार एक है और उसका एक आप बहुत अच्छा उदाहरण सेट कर रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। शालीन भनोट की फैंस फॉलोइंग कम नहीं है। बिग बॉस के घर में जाने के बाद शालीन ने अपने फिजिक और अपने मासूमियत भरे अंदाज से लाखों लड़कियों के दिलों पर राज किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि शालीन कहीं भी जाए और उन्हें हसीनाओं से घिरा ना पाया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक इसी कड़ी में अवार्ड के बाद शालीन की आजू बाजू हसीनाओं का जमावड़ा देखने को मिला।